ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर नाम से ही पता लग रहा है कि मुझे हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना है। अब हीट ट्रांसफर कैसे होगी? हीट ट्रांसफर तीन तरीके से हो सकती है। कंडक्टर में मीन आप एक रॉड लें, मेटल की रॉड है, आप उस मेटल की रॉड को एक तरफ से गर्म करें तो हीट अपने आप ट्रेवल करती करती एटम के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू ट्रेवल करती 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 आगे चली जाएगी, तो इसको कंडक्शन बोलते हैं, आपने शायद सुना भी होगा। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कंडक्शन का, और दूसरा तरीका कन्वेक्शन है, और तीसरा तरीका क्या है, रेडिएशन है। तीन तरीके हैं जिससे कि हीट ट्रांसफर हो सकती है। अब इसमें इन तीन तरीकों के अंदर एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक मान लो कंटेनर है मेटल का बना हुआ जिसमें आपने पानी को डाला और पानी गर्म कर रहे हैं गैस के ऊपर, फिर उस कंटेनर का हैंडल है मेटल का, उस पर कोई इंसुलेशन नहीं है, कोई रबर नहीं, कोई वुडन नहीं, कुछ नहीं है, उसके ऊपर मेटल की रॉड है। तो जब आप पानी गर्म कर रहे हैं वो कंटेनर गर्म हो रहा है, कंटेनर से वो हैंडल तक हीट आ रही है और आपका हाथ भी चल सकता है। अगर कोई इंसुलेशन नहीं है तो आपका हाथ पक्का जलेगा क्योंकि वो हैंडल भी गर्म हो जाएगा, कोई डाउट इसमें? तो हैंडल गर्म होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर की जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, कंडक्टर मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर। लेकिन उसी पानी, जब वो पानी गर्म हो रहा है, पानी को ध्यान से देखें तो पानी के नीचे के मॉलिक्यूल पहले गर्म होते हैं, वो गर्म होकर ऊपर आ जाते हैं, ठंडे मॉलिक्यूल उनकी जगह लेते हैं, फिर वो गर्म होकर ऊपर आते हैं, फिर ठंडे मॉलिक्यूल जगह लेते हैं, वो भी गर्म होकर ऊपर आते हैं। तो ऐसे पानी इस तरीके से गर्म होता है, साइकिल है। कन्वेक्शनल विंड्स भी ऐसे चलती हैं, कन्वेक्शनल विंड्स, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा जगह लेती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, धरती गर्म है ऊपर जाएगी, ठंडी हवा जगह लेगी, कन्वेक्शन। पानी भी ऐसे गर्म होता है, तो कन्वेक्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तीसरा, जब आप पानी गर्म कर रहे हैं, दूर से सेक आ रहा है उस गर्म पानी में से, सेक आ रहा है। दुनिया में कोई भी गर्म बॉडी है, चाहे वो कोयल है, चाहे वो पानी गर्म हो रहा है, चाहे वो लकड़ है, गर्म कुछ भी चीज़ है, गर्म बॉडी इज अ सोर्स ऑफ क्या, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो गर्मी ट्रेवल, मतलब हीट ट्रेवल करती हैं उसमें। तो सेक आना इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें रेडिएशंस पैदा होती हैं, तो वो रेडिएशंस सेक यानी कि उन रेडिएशंस की फॉर्म में हीट ट्रेवल करती है उस गर्म बॉडी से आप तक, चाहे आप दूर हैं फिर भी, आग बहुत दूर लगी है सेक दूर तक आता है, आपने टच नहीं किया आग को फिर भी सेक लगता है रेडिएशंस की फॉर्म में। तो इन रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए कोई एटम नहीं चाहिए, आप वैक्यूम के अंदर आग लगा दोगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगी, कोई चीज़ हीट करोगे तो भी आपके पास हीट आएगी, सेक तब भी आएगा, क्योंकि इनको मटीरियल चाहिए ही नहीं है रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए, कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई एटम नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं, कि वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है। तो कुल मिला के कितने तरीके हुए, तीन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सॉलिड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन, लिक्विड एंड गैसेस बाय कन्वेक्शन। लिक्विड और गैसेस जो है वो कन्वेक्शन के तरीके से गर्म होती हैं, मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर जाके नीचे ऐसे होता है। और प्रोसेस ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्स नो इंटरवीनिंग मटीरियल, इसमें कोई मीडियम चाहिए ही नहीं है, तो इसके अंदर सीधा रेडिएशन की फॉर्म में हीट जो है वो ट्रेवल होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पूरा चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है मैथमेटिकली, एक कंडक्शन में जो आज मोस्टली खत्म होगा, और एक रेडिएशन में जो नेक्स्ट टाइम खत्म होगा। कन्वेक्शन के ऊपर कुछ नहीं आता, बस कंडक्शन या रेडिएशन पे ज़्यादा काम है। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मल कंडक्शन से।